इस बुक के बारे में मैंने आज से पहले कभी बात नहीं किया है, बट दिस इज वन ऑफ माई वेरी पर्सनल फेवरेट बुक्स ऑफ ऑल टाइम। अगर मैं जेई मेन के प्रिपरेशन की बात करूँ या जे एडवांस की प्रिपरेशन की बात करूँ, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन की बात करूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की इन जनरल। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आयुष राठी। तो यार, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी जेई मेन दिए हैं, जनवरी वाला सेशन, अब जेई मेन अप्रैल के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते रहते हो, पूछते रहते हो मुझसे कि सर आप कुछ बुक्स बताइए, कौन सा बुक हम फॉलो करें। इंस्टाग्राम में आप डीएम करके मुझे पूछते रहते हो कि सर मेरा फिजिक्स वीक है, मेरा मैथ्स वीक है, मेरा केमिस्ट्री वीक है, कौन से बुक फॉलो करें, आप अपने तरफ से कुछ टिप्स दीजिए कि क्या बुक फॉलो करना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहती है। मैं भी जब स्टूडेंट था तो मेरे भी दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझे सताती थी कि मुझे कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। अब ये जो एक ऐसी चीज है ना कि यार, बहुत सारे लोग अलग अलग सजेशन देते हैं, अलग अलग टीचर्स अलग अलग सजेशन देते हैं कि उनको कौन सी बुक, उनके हिसाब से आप अलग अलग टीचर के पास जाओगे तो अलग अलग बुक आपको सजेस्ट करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर आप लोग मुझसे क्योंकि बार बार पूछते रहते हो, तो मैं अपनी एक पर्सनल रिकमेंडेशन लेके आया हूं कि मेरे तरफ से कौन सी बुक्स इन 3 मंथ आपको करनी चाहिए। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, इन 3 मंथ स्पेशली आपको करनी चाहिए। बट जो मैं कंसेप्ट यहां पर यूज करूंगा, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ किस बुक का क्या पर्पस है, उससे आपको काफी टाइम हेल्प मिलेगा। ठीक है, अगर आप मान लो कि 11th में हो, अगर आप 12th में हो मान लो, ठीक है, आपको अगर मान लो अगले साल जेई मेन देना है, तो भी आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने बुक को डिसाइड कर सकते हो कभी भी। ठीक है ना, समझ आ रही बात। अब देखो यार, बेसिकली क्या होता है, जेई मेन जो है वो एक क्या है, एक एग्जाम है। ठीक है ना, उस एग्जाम को आप एक फाइनल मैच की तरह देख सकते हो, एक फाइनल क्रिकेट मैच की तरह देख सकते हो। जेई मेन जो आप एग्जाम देने वाले हो एक्चुअल, वो क्या है, एक फाइनल क्रिकेट मैच। तो मैं आपको रिलेट कराऊंगा क्रिकेट मैच और जेई मेन से, ताकि आप रिलेट कर पाओ सारे स्टेप्स को कि किस बुक का क्या पर्पस होता है। ठीक है ना, कभी आप प्रीवियस ईयर बुक में फंसे रहते हो, कभी आप एक्चुअल थ्योरी बुक में फंसे रहते हो। मैं आपको फंडा पूरा क्लियर करना चाहता हूँ और आपको मैं बताऊंगा कि मेरे तरफ से क्या बेस्ट रिकमेंडेशन होगा, उसके बाद आपको जो पसंद आ रहा है वो आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर देखो, अगर आप क्रिकेट, मान लो आपका क्रिकेट मैच है, ठीक है, क्रिकेट मैच है आपका, यहाँ पर क्या आपका जेई मेन है, दोनों को आप रिलेट करो एक साथ। तो क्रिकेट मैच में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, मान लो आप एक बैट्समैन हो और आप मेन डे ओपनिंग करने वाले हो, ठीक है, क्रिकेट खेलने वाले हो, आप बैट्समैन हो, तो आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। पहले आप शैडो करोगे, मान लो आपको कुछ नहीं आता क्रिकेट का, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, शैडो प्रैक्टिस होता है। ठीक है, जो लोग क्रिकेट कभी खेले वो समझ पा रहे होंगे शैडो का मतलब, नहीं जो लोग नहीं समझ पा रहे, जो नहीं खेला है, शैडो का मतलब कुछ नहीं होता है, बेसिकली इमेजिन करके आपको क्या है, अपने टेक्निक को ठीक करना पड़ता है। ठीक है ना, बॉल वॉल नहीं आती है, वो आपको खुद से बस शैडो करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपने बैट ऊपर उठाया, सेकंड स्टेप में पैर आगे लेके गए, तीसरे स्टेप में आपने बैट को नीचे उतारा, ये शैडो होता है, शैडो प्रैक्टिस होता है, स्टार्टिंग में कराया जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप आपका क्या होता है, नेट प्रैक्टिस। अब नेट प्रैक्टिस में 2 चीज होते हैं, एक होता है सेम शॉट की प्रैक्टिस और उसके बाद होती है मिक्स्ड शॉट की प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो पहले आपको डिफेंस सिखाया जाता है, डिफेंस करना सिखाया जाता है, फिर आपको क्या होता है, नेट में कोच आपको बॉल डालता है, सिर्फ डिफेंस की बॉल डालता है, पहले अंडर आर्म बॉल डालता है, फिर अपर आर्म बॉल डालता है, और उसमें सिर्फ आपको डिफेंस करने को बोलता है हर बॉल में। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई चलो ड्राइव मारो, तो वो चीज आपका क्या है, यहाँ पर चैप्टर के साथ रिलेट होगा, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। ठीक है, फिर आता है धीरे धीरे चलो स्वीप मारो, चलो पुल मारो। ठीक है, और जब थोड़ी मास्टरी हो जाती है कुछ शॉट्स में, तो फिर क्या होता है, बॉलर्स बॉल करते हैं दौड़कर नेट में, और उसमें क्या होता है, जो जैसी बॉल आ रही है उसके हिसाब से आपको खेलना है, ऐसा नहीं कि आपको हर बॉल को डिफेंस करना है, समझ में आ रही है। फिर फोर्थ स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप होता है आपके पास में प्रैक्टिस मैच। ठीक है, प्रैक्टिस मैच खेलते हो आप इधर उधर, और फिर आप फाइनल मैच के लिए जाते हो। तो आपका टोटल 5 स्टेप हुआ आपकी जर्नी का एक क्रिकेट मैच में, पहला शैडो, दूसरा क्या आपका नेट प्रैक्टिस, सिंगल शॉट एट अ टाइम, डिफेंस करो तो डिफेंस का ही बॉल आपको कोच बार बार फेंकते रहेगा, पुल मारना तो फिर पुल का ही बॉल आपको बार बार कोच फेंकते रहेगा, आपको हर बॉल को पुल मारना है। थर्ड क्या है, नेट प्रैक्टिस, मिक्स्ड शॉट, जिसमें क्या है, सारे प्लेयर्स आपके जो आपकी टीम में है वो आपको क्या प्रैक्टिस कराते हैं, बॉलिंग करेंगे, आप बैटिंग करोगे, जैसा बॉल आएगा उसके हिसाब से आप शॉट खेलोगे। फोर्थ क्या है, प्रैक्टिस मैच, जो आप प्रैक्टिस मैच खेलते हो, और जब पूरा तैयार हो जाओगे तो फिफ्थ आपका क्या होगा, फाइनल डे मैच। उसी को यहाँ पर रिलेट करो आप जेई मेन के साथ में। ठीक है ना, आपका जो शैडो यहाँ पर है उसके हिसाब से आपका यहाँ पर एक बुक होगा, नेट प्रैक्टिस सेम शॉट के हिसाब से आपका यहाँ पर एक बुक होगा, और फिर आपका क्या है, नेट प्रैक्टिस मिक्स शॉट के हिसाब से एक बुक होगा, प्रैक्टिस मैच के हिसाब से एक बुक होगा, और फाइनल तो आप खेलने ही वाले हो। ठीक है, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट इस चीज को अगर आप समझ लिए ना, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं किस लेवल पे आपका फोकस को लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहला चीज, जो शैडो है, शैडो का मतलब क्या है, बेसिकली
आपको बेसिकली यहाँ पर क्या है, आप उस चीज में घुस रहे हो धीरे धीरे, ठीक है, घुस रहे हो। तो वो काम कैसे होता है, दो तरीके से हो सकता है। एक तो तरीका है कि आपके पास में स्टैंडर्ड बुक्स हो, जैसे कि आपके पास में एच सी वर्मा हो फिजिक्स में मान लो, केमिस्ट्री में ओपी टंडन हो, मैथ्स में अमित अग्रवाल हो, ये तीन बेसिकली मैं रिकमेंड करता हूँ जनरली। अगर आप फुल मेडिटेशन के साथ पढ़ना चाहते हो, फुल फोकस के साथ पढ़ना चाहते हो, ठीक है ना, और डेप्थ में घुसना चाहते हो आप, अगर आपको कुछ नहीं आता आप स्टार्टिंग से एंड तक घुसना चाहते हो, ठीक है ना, अगर आप पूरा मेडिटेशन हर एक चैप्टर में डालना चाहते हो, समझ में आ रहा है, तो ये बुक्स आपके लिए बहुत बेटर होता है, एच सी वर्मा, अमित अग्रवाल और केमिस्ट्री में आपका ओपी टंडन, ठीक है। अब बात यहां पर ये है ना कि यहां पर बात है कि सिर्फ जेई मेन के लिए आपको पढ़ना है, ठीक है, तो ये बुक्स अगर आपके पास है, आप इसको फॉलो करते हो, आपके पास फाइन, इट्स गुड। अगर इसके अलावा और भी कोई बुक है इसके ही जैसी, तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको सिर्फ जेई मेन के ऊपर फोकस करना है, तो इसका एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, वो क्या है आपके पास में, जेई मेन की प्रेप गाइड, ठीक है। इस पर मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाया था जेई मेन की प्रेप गाइड के ऊपर, आज से एक डेढ़ साल पहले आई थिंक, ठीक है। तो जेई मेन का जो प्रेप गाइड है ना, डेट इज अ बुक जो आपका सिर्फ और सिर्फ जेई मेन के सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों एक ही बुक में रहता है। तो यहाँ पर आप तीन बुक पे अपना फोकस डालते, उससे अच्छा आप सिर्फ जेई मेन पे फोकस डाल सकते हो। अगर आप सिर्फ अप्रैल जेई मेन के ऊपर फोकस करके चल रहे हो, आपके उसमें तीन महीने है, तो आप सिर्फ एक वो बुक को एज आपका जो शैडो सेशन है उसके कंपेयर में आप वो बुक को यूज कर सकते हो, जिससे आप थ्योरी सीख सकते हो और अंदर घुस सकते हो धीरे धीरे, समझ में आ रही है बात। तो अगर आपके पास में इंडिविजुअल बुक्स है, फाइन, गो फॉर इट, जैसा है वैसे करते रहो अगर आप उससे कर पा रहे हो तो, या अगर आप कोई दूसरा बुक सोच रहे हो, अल्टरनेटिव कुछ खोज रहे हो, तो जेई मेन प्रेप गाइड इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव। इसका एक और एडवांटेज है जो मैं आपको अभी वीडियो के एंड में समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास में क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास में है नेट प्रैक्टिस फॉर सिंगल शॉट एट अ टाइम, मतलब कि इंडिविजुअल चैप्टर की आपको नेट प्रैक्टिस करनी है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका रिलेट होता है पास्ट ईयर क्वेश्चन से, बट पास्ट ईयर क्वेश्चन के बिना दो चीज होते हैं, एक पास्ट ईयर के पेपर आप सॉल्व कर रहे हो जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है, और एक आप क्या कर रहे हो, इंडिविजुअल चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो आप नेट में हो, नेट प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पुल मारने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको कोच बॉल फेंकता है, ठीक है ना, आप पुल करते हो। अब हर बॉल तो कोच हार्ड नहीं फेंकेगा ना, हर बॉल तो आपको फुल स्पीड में नहीं देगा ना, कभी एक स्लो बाउंसर दे दिया आपने पुल किया, कभी एक फास्ट बाउंसर दे दिया आपने पुल किया, कभी एक चेस्ट के लेवल पे बाउंसर दिया आपने पुल किया, कभी एक फेस टू फेस बाउंसर दिया आपने पुल किया। तो उस पुल में भी, उस बाउंसर में भी अलग अलग चीजें हो सकती है, उसको आपको रिलेट करना है यहाँ पर किस बुक से, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक ऑफ ऑल टाइम्स, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, फिजिक्स की केमिस्ट्री की मैथ्स की अलग अलग आती है, ठीक है। इस बुक के बारे में मैंने आज से पहले कभी बात नहीं किया है, बट दिस इज वन ऑफ माई वेरी पर्सनल फेवरेट बुक्स ऑफ ऑल टाइम। अगर मैं जेई मेन की प्रिपरेशन की बात करूँ, या जेई एडवांस की प्रिपरेशन की बात करूँ, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की इन जनरल, तो ठीक है। इवन ये बुक जो है मेडिकल के लिए भी आता है, नीट वालों के लिए भी, उनके लिए अलग से आता है फॉर मेडिकल एंट्रेंसेस। इस बुक की खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसमें लास्ट 10 इयर्स के, आई थिंक सो 10 इयर्स के, या फिर उससे ज्यादा भी होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 10 इयर्स के हैं, ऑलमोस्ट हर एग्जाम के क्वेश्चंस है इसमें, चाहे जेई मेन कह लो, चाहे एयर ट्रिपल जो भी हो, एडवांस कह लो, आईआईटी जेई कह लो, और आपका जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, डब्ल्यू बी जेई कह लो, महाराष्ट्र का कह लो, कर्नाटक का कह लो, ऑलमोस्ट हर एग्जाम के, एमसेट कह लो, ठीक है ना, जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, लगभग सारे एग्जाम के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन उस बुक में होते हैं। तो इट कैन बी ट्रीटेड एज अ, यू नो, आपको फ्लो में लाता है, वो नेट प्रैक्टिस का पार्ट वन है आपका। आप एक एक चैप्टर का उसमें हर एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपने मान लो एसएचएम खोला, एसएचएम में आपको, उसमें भी क्या टॉपिक वाइज है, अब एसएचएम भी पूरा एसएचएम एक साथ नहीं, एसएचएम को भी उसमें टॉपिक वाइज तोड़ के रखा है उस बुक के अंदर में, ठीक है। और उसमें क्या आपके पास में लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन है हर एग्जाम के, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका इजी टू हार्ड हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और इससे आपकी एफिशिएंसी भी बनती है, क्योंकि आपने डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व किया। और प्लस इस बुक में आपको सॉल्यूशन भी दे रखे होते हैं, तो आपको किसी भी टीचर के पास बार बार जाने की जरूरत नहीं है कि सर जी मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा, आप बता दीजिए। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है, आपकी आपका टॉपिक वीक है, आपका सब्जेक्ट वीक है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट नेट सेशन आता है, नेट प्रैक्टिस सेशन आता है, वो आता है मिक्स्ड शॉट। ये तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअल चैप्टर आप करोगे, एक एक चैप्टर उठाओगे और फिर उसमें पांच छह क्वेश्चन सॉल्व करोगे अलग अलग एग्जाम के। उसमें क्या आपको टफ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, इजी भी मिल जाएंगे, और जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि जो टफ क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली इजी क्वेश्चन से ही बने हैं, दो चार इजी क्वेश्चन मिला के टफ क्वेश्चन आईआईटी जेई का बन जाता है, समझ में आ रही बात। ये आप उसको सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। फिर आपका क्या आता है, आपके पास में आता है फिर पास्ट ईयर के पेपर्स वाले बुक,
ठीक है ना। इसमें भी मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक वही है अरियंत का, जो आप लोग में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी फॉलो करते हो। अरियंत का जो बुक आता है 2002 से लेकर अभी रिसेंट तक का जो आता है 15-16 ईयर्स का, हर साल का आपको पेपर दिया रहता है ठीक है ना, AIEEE 2007, 2008, जेई मेन 2015, 16, 17 सबका पेपर रहता है। वो आपका क्या है, थर्ड आपका काम आता है नेट प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आप मिक्स्ड शॉट, आप पेपर मतलब आप क्या करते हो, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसको। बेसिकली क्या है ना, उसको आप एज अ टेस्ट पेपर दे सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उससे क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको याद रहते हैं। जब आप पास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस को आप एज अ टेस्ट देते हो ना, तो उसमें क्या होता है आपका एकदम पोटेंशियल स्कोर आपको नहीं पता चलता, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप पहले कहीं ना कहीं देखे होते हो, चाहे आपके कहीं कोचिंग में आ गए कोई क्वेश्चन, या आपने कभी कोई चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, तो वो भी उस पेपर में आ ही गया ना ठीक है। तो थर्ड स्टेप आपका होता है कि आप उस बुक को सॉल्व करो, बट उसको आप अपना पोटेंशियल स्कोर मत मान लेना ठीक है ना। उसको आप ऐसा करो कि भाई चलो हाँ, 2016 का मैं फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, ये 30 क्वेश्चन मैं सॉल्व करने हैं, तो उससे क्या हुआ, एक मिक्स्ड आपका प्रैक्टिस हो गया, समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर डिफेंस का बोला है आपने डिफेंस कर लिया, मारने का बोला है मार लिया आपने, पुल का बोला है पुल कर लिया, ड्राइव का बोला है ड्राइव कर लिया, हुक का बोला है हुक कर लिया, स्वीप का बोला है स्वीप कर लिया, वही चीज यहाँ पर आपका अप्लाई होगा। अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे 30, और आपने तो उससे क्या हुआ, पहले क्या हुआ, पहले आपने शैडो किया, आपने घुसा उसके अंदर में, उसके बाद आपने क्या किया, इंडिविजुअल शॉट पे फोकस किया, इंडिविजुअल चैप्टर पे फोकस किया, फिर आपने क्या किया, मिक्स्ड चीजें करनी स्टार्ट करी, और फिर आपका क्या होता है प्रैक्टिस मैच। प्रैक्टिस मैच के लिए क्या होता है, आपको अलग से लाना पड़ेगा, अलग से आपके पास एक बुक होनी चाहिए, या फिर अगर आप ऑनलाइन देते हो, आजकल जेईई मेन ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन आपके पास में एक टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी होनी चाहिए ठीक है, जहां पर आप टेस्ट दे पाओ ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि कुछ पेपर्स आप घर पे दे दो ऑफलाइन पे, और कुछ पेपर आप ऑनलाइन पे दे दो। तो उसके लिए क्या आता है आपके पास में, टेस्ट पेपर की बुक आती है, वो भी मैं अरियंत की आपको रिकमेंड करूंगा ठीक है। अरियंत मेरा वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल फेवरेट चॉइसेस है, और मैं अरियंत की बुक्स बहुत फॉलो किया हूं हमेशा ठीक है, तो मुझे ट्रस्ट है अरियंत की बुक पे ठीक है ना। स्पेशली जो अरियंत की जो हमारे पास में टेस्ट पेपर की बुक आती है, और जो इवन तक जो सीबीएसई की बुक्स आती है, मैं उस पर कभी वीडियो बनाऊंगा कि सीबीएसई की बुक्स जो होती है हमारे पास में, काफी ज्यादा मुझे ट्रस्ट लगता है, क्योंकि अरियंत मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जाम में आने वाला है डायरेक्ट उसके पॉइंट को हिट करता है, उसी के आजू बाजू रहता है, तो एग्जाम का जो पेपर होता है वो काफी हद तक मुझे सिमिलर लगता है अरियंत के टेस्ट पेपर से, तो इसलिए मैं अरियंत को प्रेफर करता हूं ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे होते हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, बट मेरा चॉइस ऑलवेज गोज टू अरियंत। तो उससे आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस मैच खेल सकते हो ठीक है, घर पे आप टेस्ट पेपर्स दे सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाए अगर कहीं तो ऑनलाइन भी करो, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। और फाइनली आपको क्या करना है, मेन एग्जाम में जाके मैच खेलना है। अब यहां पर एक चीज है ना, कि जो मैंने आपको बताया कि प्रेप गाइड से एडवांटेज क्या होगा, प्रेप गाइड से एडवांटेज ये होगा कि आपका जो टेस्ट पेपर है वो भी उसी में आ जाएगा, और आपको ऑनलाइन के लिए सीडी भी उसमें दे दी जाती है, जिसमें आपको कुछ पेपर्स आप ऑनलाइन दे सकते हो कंप्यूटर पे बैठ के, तो वो एक एडिशनल एडवांटेज है जिससे आपका दोनों काम हो जाता है ठीक है ना। तो ये चीज है बेसिकली, मैं आपको एक बार वापस से समझा देता हूँ, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, 4-5 स्टेप है आपके पास में। पहला शैडो, अगर आपके पास बुक्स है एचसी वर्मा डीसी पांडे हो गया, मान लो आपके पास कोई अच्छी अच्छी बुक्स है जिसको आप फॉलो करते आए हो और आपको पसंद है, तो उसको फॉलो करो, फिर आपको नहीं जाना है प्रेप गाइड में, फिर आप उसी को कर लो फॉलो। बट अगर आप फॉलो नहीं करते हो, और ऊपर से एक और डिसएडवांटेज है कि भाई उस बुक्स में जो थ्योरीज रहती है वो थोड़ी एडिशनल रहती है, जो क्वेश्चन रहते हैं वो सारे जेईई मेन कैटेगरी के नहीं रहते हैं, कुछ एडवांस को भी टच कर जाते हैं ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो अभी उतनी अच्छी नहीं है कि आप एडवांस के क्वेश्चंस को कर पाओ, तो उससे आपको क्या होता है, डर लगने लगता है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है, जेईई मेन की प्रेप गाइड, जो आपका सिर्फ जेईई मेन पे फोकस करता है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट बोर्ड देने वाले हैं उनको भी वो जेईई मेन प्रेप गाइड बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वो थोड़ा थ्योरी बेस्ड बुक है ठीक है। जेईई मेन वाला जो प्रेप गाइड है थोड़ा थ्योरी बेस्ड बुक है, तो आपको बोर्ड में भी वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है ठीक है। और प्लस एडवांटेज क्या है, एक ही बुक में आपका तीनों चीज हो जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। नेक्स्ट स्टेप क्या आपके पास में, शैडो के बाद में नेट प्रैक्टिस है फॉर इंडिविजुअल शॉर्ट एट अ टाइम। उसके लिए क्या करना है आपको, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज के जो बुक है अरियंत की, फिजिक्स की केमिस्ट्री की मैथ्स की, तीनों अलग अलग आती है, इवन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी आती है वो ठीक है, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए आती है। बुक का नाम क्या है, सिंपल सा चीज है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस। मेडिकल वालों के लिए क्या है, फॉर मेडिकल एंट्रेंसेस। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल फेवरेट बुक्स जो कि मेरा है आज तक ठीक है, और मेरे टाइम पे था और मैं उसको बहुत फॉलो करता था, मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था। थर्ड स्टेप क्या आपके पास में, मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर की बुक सॉल्व कर सकते हो ईयर वाइज ठीक है। ये आपका था चैप्टर वाइज, अब आपका आएगा चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ठीक है, चैप्टर के अंदर भी टॉपिक था उसमें, और फिर आपका क्या आएगा ईयर वाइज। तो उसके लिए अरियंत मेरा फेवरेट है जेईई मेन के लिए, और नीट के लिए मेरा फेवरेट है। बेसिकली ये वीडियो हालांकि जेईई मेन फोकस्ड है, बट बहुत सारे नीट स्टूडेंट्स भी देखते हैं इसको, तो नीट के लिए मेरा फेवरेट है शक्ति पब्लिकेशन
ठीक है, शक्ति पब्लिकेशन की बुक मैं फॉलो करता हूँ प्रीवियस ईयर के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के लिए, पास्ट ईयर के उसमें पेपर्स रहते हैं। और मैं जब भी अपने वीडियोस बनाता हूँ, चाहे वो बेस्ट क्वेश्चन ऑफ जेई मेन हो चाहे बेस्ट क्वेश्चन ऑफ नीट हो, तो मैं उसी में से क्वेश्चन पिक करता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है वो शक्ति पब्लिकेशन का नीट वाला बुक और अपना जो जे अरियंत का जो है अपना ए आई ट्रिपल ई जेई मेन वाला बुक। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है आपके पास में, टेस्ट पेपर मतलब प्रैक्टिस सेशंस, प्रैक्टिस मैचेस बेसिकली। वो क्या है, आप क्या कर सकते हो, अगर आपने प्रेप गाइड ले रखी है तो उसी के पीछे आपको टेस्ट पेपर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, उससे कर लो, उसमें ऑनलाइन के लिए आपको सीडीज भी मिलती है, चार पांच टेस्ट आपको ऑनलाइन के भी मिल जाते हैं, वो हो जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर आपने प्रेप गाइड नहीं लिया है तो वहां पर आपके पास में एक बुक होनी चाहिए या फिर कोई ऑनलाइन सोर्सेज होने चाहिए जहां पर आप टेस्ट पेपर दे पाओ बढ़िया तरीके से। ठीक है, और फिर आप अपना फाइनल प्रिपेयर हो जाओगे अपने जेई मेन के फाइनल मैच डे के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आपके जेई मेन के लास्ट 3 महीने में, जो अगर आप फॉलो करते हो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और यही कंसेप्ट को आप कभी भी अप्लाई कर लेना, कभी भी आपको बुक चूज करने में डिफिकल्टी हो तो आप इसी चीज को अप्लाई कर लेना, इस तरीके से डिवाइड कर लेना और अपने हिसाब से आप बुक को चूज कर लेना। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बने रहिए।